सो हाय गाइस, कैसे आप सब। फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2020 की लेटेस्ट लॉन्च बाइक रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोनों ही बाइक को हम डिटेल कंपेयर करने वाले हैं। एक तरफ है बुलेट 350 का टॉप मॉडल है, जैसा कि यह बाइक 3 वेरिएंट और 5 कलर ऑप्शन में इसे लॉन्च किया गया है इंडियन मार्केट में। तो अपने पास एक तरफ है रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का टॉप मॉडल और एक तरफ है स्टैंडर्ड मॉडल। तो दोनों ही बाइक को हम डिटेल कंपेयर करके आपको बताने वाले हैं कि किसमें क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर दोबारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बुलेट 350 जो लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों का जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल के आती है। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मॉडल है बुलेट 350 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल के आती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में बाइक। तो इसका जो हेडलाइट का सेटअप आपको मिलता है, हैलोजन बल्ब के हेडलाइट के सेटअप मिले हैं। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग मिलती है, ऊपर आपको यहाँ पे दो पायलट लैंप लगे मिलते हैं, जो काफ़ी अग्रेसिव लगता है इसका जो फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है। जैसा गाइस आपने देखा होगा क्लासिक 350 का, उसी लुक में आपको बुलेट 350 का जो फ्रंट प्रोफाइल है देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको हजार लाइट का आपको स्विच मिल जाता है। आपको जिसमें सस्पेंशन मिलती है टेलीस्कोपिक 41mm 430mm ट्रेल टाइप का आपको सस्पेंशन मिल जाती है। वहीं बात करें अगर जो टॉप मॉडल है इनका जो ब्लैक विथ गोल्ड कलर है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो टॉप मॉडल है इस बाइक का जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ इस तरीके की निकल के आती है। जो इसमें आपको हेडलाइट का सेटअप मिलता है राउंड शेप में आपको मिलती है, रेक्टो स्टाइलिंग में इसका हेडलाइट का सेटअप दिया गया है, वही लुक आपको मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हेडलाइट काउल आपको इस तरह से मिल जाती है, क्रोम फिनिशिंग के साथ दिया गया है। इसका भी फ्रंट लुक आपको वही मिलता है जैसा कि स्टैंडर्ड मॉडल का है। तो गाइस, इसमें आपको जो पायलट लैंप लगे मिलते हैं यहाँ पर हेलोजन बल्ब पे, इसमें पायलट लैंप इसमें भी दिया गया है। तो फ्रंट से दोनों बाइक आप देखेंगे तो आपको दोनों बाइक सेम दिखती है देखने में, इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे जो यह ब्लैक कलर है ये काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। इस तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि आपको दोनों बाइकों में से आपको कौन सी बाइक अच्छी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब चलिए बात करते हैं जो टॉप मॉडल है इसका सस्पेंशन आपको कैसा मिलता है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो सस्पेंशन मिलती है सेम वही सस्पेंशन इसमें कंटिन्यू किया गया है, टेलीस्कोपिक 41mm फोक 130mm ट्रेल टाइप का आपको सस्पेंशन मिल जाती है। इसमें टर्न इंडिकेटर आपको कुछ इस तरह से राउंड से मिलती है, 12W के हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर इसमें भी दिया गया है। टॉप मॉडल है, डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है। बाकी जो डिस्क ब्रेक का आपको साइज मिलता है दोनों बाइकों में 300mm का डिस्क ब्रेक का साइज दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको इस तरह से डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, और जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें भी आपको सेम ही डिस्क ब्रेक का आपको साइज मिलती है, 300mm का इसमें डिस्क ब्रेक साइज दिया गया है। और जो टायर सेक्शन आपको मिलता है 18x100 19 इंच का आपको ट्यूब वाले टायर दोनों बाइकों में आपको लगी मिलती है। तो ये हो गया दोनों बाइकों का फ्रंट प्रोफाइल, दोनों बाइकों के साइड प्रोफाइल के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो बुलेट 350 टॉप मॉडल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का साइड प्रोफाइल निकल के आती है। इसके फ्यूल टैंक पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपके यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है देखने में। यह जो बैजिंग आपको नहीं मिलती देखने में, और इसका जो फ्यूल टैंक डिजाइन आपको मिलता है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है देखने में। आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक कलर मिलती है, यहाँ पर हैंडमेड ग्राफिक्स आपको मिल जाती है इस बाइक में भी, और 30 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें मिलती है। अगर बात करें यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मॉडल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो टैंक प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल जाती है, इसमें भी आपको सेम वही बैजिंग आपको देखने मिल जाती है। इसमें आप देखेंगे तो येलो कलर की आपको बैजिंग मिलती है, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे टॉप मॉडल में तो यहाँ पे गोल्डन टच के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे इसके फ्यूल टैंक पे तो आपको यहाँ पे भी हैंडमेड ग्राफिक्स आपको मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो दोनों में आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 30 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है दोनों बाइकों में। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको डिफरेंट मिलता है गाइस, इसका जो इंजन आपको मिलता है जो टॉप मॉडल है, इस तरह से आपको इसमें ब्लैक कलर की मिलती है, जैसा कि आपको क्लासिक 350 मिलता है सेम इसी टाइप का आपको इसमें इंजन मिलती है, ब्लैक कलर में दिया गया है। 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिलती है, साइड से निकट आपका फीचर इसमें भी दिया गया है। और यहीं पे बात कर लें इसके पावर के बारे में, तो इसमें आपको जो पावर मिलेगी 20.2 BHP का आपको पावर मिलती है, और मैक्सिमम टार्क जो आपको मिलता है 27 Nm का आपको टार्क इसमें मिल जाती है। अगर बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉडल में, तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको जो इंजन मिलती है कुछ इस तरह से आपको मिलती है, और इसके पावर की बात करें तो सेम वही पावर आपको दोनों बाइक में मिल जाती है, 20.2 BHP का पावर इसमें मिलता है और 27 Nm का टार्क इसमें भी मिल जाती है। और यहाँ पे हम नोटिस करेंगे तो जो स्टैंडर्ड मॉडल है इसमें जो एग्जॉस्ट पाइप आपको मिलती है क्रोम फिनिशिंग के साथ इसमें दिया गया है, क्लासिक 350 वाला आपको मिलता है। वहीं बात करें जो इसका टॉप मॉडल है, तो यहाँ पे आप देखिए तो इसका जो एग्जॉस्ट मिलता है इस तरह से मैट ब्लैक कलर में दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको जो टॉप मॉडल अच्छा लग रहा है या स्टैंडर्ड मॉडल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो टॉप मॉडल का जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल आती है। साइड पैनल पे आपको यहाँ पे इस तरह से बुलेट 350 की बैजिंग मिलती है, जो कि क्रोम टच के साथ दिया गया है। यहाँ पे भी हैंडमेड ग्राफिक्स आपको मिलते हैं, ग्लॉसी ब्लैक कलर दिया गया है। वहीं इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर मिलती है, यहाँ पे भी वही ग्राफिक्स मिलती है, बुलेट 350 की आपके यहाँ पे बैजिंग मिले हैं।
जो काफी अच्छी लगती है देखने में। तो साइड प्रोफाइल आपको दोनों में सेम मिलता है। चलिए बात करते हैं दोनों के सिटिंग कंफर्ट के बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे जो टॉप मॉडल है इसकी सीट की कुशनिंग है काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, जो कि आपको सीट हाइट मिलता है 805 mm का इसमें सीट हाइट दिया गया है। तो कंफर्ट आपको इसमें काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल जाएगा। बैकरेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है जो टॉप मॉडल है। अगर वहीं बात करें जो स्टैंडर्ड मॉडल है तो इसमें आपको जो सीट मिलती है सिंगल सीट इसमें भी दिया गया है, लेकिन इसका जो कंफर्ट है जो टॉप मॉडल है उससे थोड़ा सा कम आपको मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, इसकी भी कुशनिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, बट जो टॉप मॉडल है उससे इसकी सीट कंफर्टेबल थोड़ा सा कम मिलती है। इसमें भी आपको बैगेज मिल जाती है और जो सीट हाइट आपको दोनों बाइकों में सेम मिलती है। चलिए बात करते हैं दोनों बाइकों के मीटर कंसोल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे जो टॉप मॉडल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है सेमी डिस्ट्रीब्यूटर कंसोल दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, न्यूट्रल लाइट, एबीएस इंडिकेशन, फ्यूल इंडिकेशन, और डिजिटल मीटर में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे ट्रिप मीटर, किलोमीटर, इको इंडिकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है और हैंडलिंग आप देखेंगे तो इसमें आपको इस तरह से क्रोम फिनिशिंग के साथ इसमें हैंडलिंग दिया गया है। बाकी स्विचिंग क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें दिया गया है दोनों ही बाइकों में। अब बात करेंगे इसमें जो स्टैंडर्ड मॉडल है तो इसका जो आपको हैंडलिंग मिलता है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आप हैंडलिंग मिलती है सेम वही हैंडल मिलता है। मीटर कंसोल भी आपको सेम वही मिलता है जो टॉप मॉडल में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेमी डिस्ट्रीब्यूटर कंसोल इसमें भी दिया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, बट एक चीज़ आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलता है जो इसमें आपको मिरर मिलता है क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलती है, और जो टॉप मॉडल है इसमें ब्लैक कलर में दिया गया है। ऐसा कि यह बाइक ब्लैक विथ गोल्ड कलर है तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिरर मिल जाती है। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया कि आपको सेम मिलती है। चलिए गाइस अब बात करते हैं दोनों बाइकों के रियर प्रोफाइल में आपको डिफरेंट देखने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो स्टैंडर्ड मॉडल है इस तरह से आपको रियर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर टेल लाइट आपको इस तरह से मिलती है और 12 वाट के हैलोजन के इंडिकेटर रियर में दिया गया है, इस पर भी क्रोम फिनिशिंग आपको मिलती है। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग यहाँ पे मिल रही है इस तरह से दिया गया है इसके रियर फेंडर पे। और वहीं बात करें इसके टॉप मॉडल में तो इसका भी रियर प्रोफाइल सेम ही मिलता है, इसमें आपको कोई डिफरेंट नहीं मिलती है। क्रोम फिनिशिंग के साथ दिया गया है, यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर मिलती है। रियर फेंडर पर आपको यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है। तो रियर प्रोफाइल ऑलमोस्ट आपको दोनों बाइकों में सेम मिलती है। तो जो डिफरेंट मिलता है इसका एग्जॉस्ट जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलती है जो स्टैंडर्ड मॉडल है, और जो टॉप मॉडल है इसमें आपको ब्लैक कलर में इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है। चलिए वैसे बात करते हैं दोनों के एग्जॉस्ट नोट के बारे में। तो आपको एग्जॉस्ट नोट कैसा मिलता है, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके टॉप मॉडल की। तो यहाँ पर आप सुन पा रहे हैं गाइस टॉप मॉडल का जो एग्जॉस्ट नोट है गाइस, ये रहा टॉप मॉडल का एग्जॉस्ट नोट। चलिए बात करते हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल में इसमें आपको एग्जॉस्ट नोट कैसी मिलती है। सो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको जो टॉप मॉडल है उसका एग्जॉस्ट नोट अच्छा लगा या स्टैंडर्ड मॉडल इसका एग्जॉस्ट नोट अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं दोनों बाइकों के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो रियर में आपको सस्पेंशन मिलती है जो टॉप मॉडल है इस तरह से ट्विन टू वे पल्सर शॉक एब्जॉर्बर इसमें लगी मिलती है। जैसा कि यह बाइक डुअल डिस्क साथ है, डुअल चैन एबीएस साथ है, तो आपके यहाँ पे 270 mm का आपको डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, एबीएस का चैन दिया गया है, स्पोक आपको व्हील मिलती है, दोनों में आपको टायर जो मिलता है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो टायर लगी मिलती है इस बाइक में 120x80 inches का आपको 2x टायर इसमें लगी मिलती है, और यहाँ पर स्पोक व्हील इसमें दिया गया है। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड मॉडल में तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि यह बाइक डुअल डिस्क के साथ है, डिस्क ब्रेक का साइज मिलता है सेम वही साइज इसमें डिस्क ब्रेक दिया गया है, 270 mm का डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, स्पोक व्हील आपको इसमें मिल जाती है। और टायर सेक्शन की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें भी आपको जो टायर लगी मिलती है सेम वही प्रोफाइल का, इसमें भी टायर प्रोफाइल लगी मिलती है स्टैंडर्ड मॉडल में। अब बात करें दोनों बाइकों के प्राइसिंग के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे जो स्टैंडर्ड मॉडल है इसका जो एक्सोरूम प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में लगभग आपको पड़ेगा 215,000 रुपये इसकी एक्सोरूम प्राइस पड़ेगी, और इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा नियर अबाउट 260,000 से 265,000 के बीच में यह बाइक अवेलेबल हो जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर जो बुलेट 350 है स्टैंडर्ड मॉडल है इसका जो एक्सोरूम प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में लगभग आपको पड़ेगा 197,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस पड़ेगी। इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा नियर अबाउट आपको पड़ेगा 240,000 से 245,000 के बीच में यह बाइक अवेलेबल हो जाएगी। माइलेज की बात करें दोनों में आपको जो माइलेज मिलेगी 30 से 35 km की आपको दोनों बाइकों में माइलेज मिल जाएगी। सो गाइस ये रहा दोनों बाइकों का डिटेल कंपैरिजन वीडियो, एक तरफ है टॉप मॉडल बुलेट 50 का, एक तरफ है स्टैंडर्ड मॉडल, जो कि हमने आपको बताया क्या क्या आपको डिफरेंट मिलते हैं, क्या फीचर्स सेम मिलता है इन दोनों ही बाइकों में, इस वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी यह बाइक बुलेट 350 जो रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।